अगर आप चाहते हैं कि SBI बैंक में आप RD अकाउंट ओपन करना, तो उसके लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग यूज़र आईडी पासवर्ड की ज़रूरत है। उसके बाद आपको बैंक में जाने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। लॉगिन होने के बाद आपको आना है फिक्स डिपॉजिट इस टैब में। इस टैब में क्लिक करते ही आपको दिखेगा रिकरिंग डिपॉजिट, उस पर क्लिक करना है। इसमें देखिए ERD रिकरिंग डिपॉजिट पहले से ही सिलेक्टेड है, तो उसको आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। करते ही आपको देखिए इधर पैसा भरने को कहा जा रहा है कि आप महीने का कितना इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं, तो वही आपको इसमें भरना होगा। हम तो 500 करना चाहते हैं। भरने के बाद आपको देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है सीनियर सिटीजन। अगर आप 60 इयर्स के ऊपर हैं तो इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद हम टाइम चूज़ करेंगे 1 ईयर। तो चलिए करते हैं 1 ईयर। हम 1 ईयर का करना चाहते हैं इस खाते को, तो हमने 1 ईयर सिलेक्टेड किया है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 2 ऑप्शन, देखिए पे बैक प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। उसके बाद कन्वर्ट टू STDR ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट में FD दिया हुआ है, मतलब पे बैक प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, मतलब आप जो अकाउंट खोल रहे हैं ERD अकाउंट, जब मैच्योरिटी होगा वो पैसे आप क्या करना चाहते हैं, आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बैक चाहते हैं, तो उस पे पहले वाले आपको क्लिक करना है। तो चलिए करते हैं। करते ही आपको देखिए कन्वर्ट टू STDR मतलब स्पेशल टर्म डिपॉजिट। ये क्या होगा, आपने जो खाता खोल रहे हैं वो खाता RD, और जब मैच्योरिटी हो जाएगा तो जब मैच्योरिटी हो जाएगा वो स्पेशल टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट हो जाए ऑटोमेटिकली, तो उस पर आपको क्लिक करना है ये चाहते हैं तो। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, इसमें भी 2 ऑप्शन दिया हुआ है, विथ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट SI ओनली, मतलब आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें से हर महीने इस तारीख को पैसा काट लिया जाएगा, और दूसरे वाले में टिक करेंगे तो बाद में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करना होगा, क्लिक करते ही आपको उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो चलिए हम करते हैं। करने के बाद आपको वेरीफाई अकाउंट डिटेल्स बोल रहे हैं कि जो फिल किया है आपने वो देख लीजिए, झाँक के देख लीजिए सही है कि गलत है। उसके बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब सॉरी मैं फास्ट हो गया थोड़ा। उसके बाद आपको अगर आप नॉमिनी इस अकाउंट में इंसर्ट करना चाहते हैं, नॉमिनी रखना चाहते हैं, तो यस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करते हैं, आपको देखिए अकाउंट ओपन होके आ जाएगा। आप अगर आप चाहते हैं, देखिए अगर आप चाहते हैं कि ये जो अकाउंट क्रिएट हुआ है उसका आपके पास एक रिसिप्ट रहे, तो उसके लिए आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। तो चलिए करते हैं। करते ही देखिए पिन कर लेती हूँ मैं। फ्रेंड्स मेरे चैनल में आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आपको माई अकाउंट्स एंड प्रोफाइल में क्लिक करना है। करते ही आपको देखिए अकाउंट हमारे दिख जाएगा। अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो जो अकाउंट आपके नाम पे अभी क्रिएट हुआ है वो अकाउंट यहाँ पर शो होगा। तो चलिए करते हैं। देखिए हमारा RD अकाउंट ओपन हो चुका है और बैलेंस देखते हैं 500 है। लास्ट 10 ट्रांजेक्शन देखते हैं। देखिए
यह हमारा अड्डे अकाउंट है, इसने 500 क्रेडिट हो गया है और बैलेंस भी 500 है। नंबर वन इंस्टॉलमेंट हुआ है। देखिए हम हमारे जो सेविंग्स अकाउंट से जो पैसा कटा है उसमें भी आपको दिखा दे रहे हैं। टेन ट्रांजेक्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो सेविंग्स अकाउंट में अकाउंट से डेबिट होके आरडी अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। स्टार्ट करते हैं।